आपको हम बता दें जहां पर मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, मैनपुरी से डिंपल यादव सपा प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुर जहां से मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन निधन के बाद सीट खाली हुई और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। यानी मैनपुरी में डिंपल चुनावी मैदान में उतरेंगी। मैनपुरी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए सबसे अहम यहां पर प्रत्याशी का चुनाव करना ही अखिलेश यादव के लिए था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव प्रत्याशी घोषित हो गई है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी यह बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरेंगी। मैनपुरी से डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कन्नौज की पूर्व सांसद हैं डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, और अब ससुर की विरासत संभालने के लिए बहू को मैदान में उतारा गया है। देखिए ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फरमान अब्बास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता फरमान, अब ससुर की विरासत को संभालने के लिए बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या वो मैनपुरी जिसके मुलायम थे और मैनपुरी भी मुलायम की ही थी, क्या वहां पर डिंपल यादव पूरी तरह से फिट बैठ पाएंगी? देखिए एक बड़ा सवाल यही था कि समाजवादी पार्टी अपने जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी विरासत किसको किसके जरिए सौंपती है और किसको सौंपती है, उस सवाल पर आज विराम लगा है। डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, यादव परिवार की बहू है, उनको चुनाव लड़ाने का ऐलान किया गया है। वो कयास जो लगाए जा रहे थे कि परिवार से कौन व्यक्ति कौन सदस्य परिवार का इस सीट पर उनकी उनकी विरासत को संभालेगा, उस पर विराम लगा है। अब सवाल यही है कि परिवार में किस तरह से सहमति बनी, चूंकि एक ये बात भी सामने निकल कर आ रही कि क्या शिवपाल यादव की सहमति इस पर ली गई है या फिर शिवपाल यादव इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, ये तमाम चीजें अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन ये बात तय हो गई कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे, जो उनके सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, उनकी राजनीतिक विरासत उस सीट पर, उनके निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई है मैनपुरी, उस पर डिंपल यादव के नाम की मोहर लगाई गई है और अब वो चुनाव के मैदान में होंगी। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बहुत ज्यादा अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी मेहनत तो कर ही रही है, दूसरी ओर ओपी राजभर भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी के नाम का चयन करना काफी कठिन भी हो गया था। शिवपाल सिंह यादव का जिक्र आपने किया, वो कह रहे थे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैनपुरी से उनके चुनाव लड़ने की भी बात सामने आ रही थी। अब अखिलेश जी ने तो डिंपल का नाम सामने ला दिया, शिवपाल जी क्या करेंगे, प्रसपा से जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी? देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उसमें शिवपाल यादव भी शामिल हैं, क्या उनकी सहमति ली गई, क्या उनसे बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया, ये तमाम सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। लेकिन अगर शिवपाल यादव की सहमति इस पर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जो चाचा भतीजे के बीच में या जो यादव परिवार के दो अहम सदस्यों के बीच में जो तनातनी सियासी तनातनी नजर आ रही थी, उसमें वो कशीदगी और बढ़ेगी। अब बहरहाल अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें किसकी सहमति रही और किसकी सहमति नहीं रही। दूसरी तरफ एक और बड़ा सवाल है वो जो सियासी हलकों में तैर रहा है कि क्या इस सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है फरमान जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अनुराग जी, डिंपल यादव प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की अब मैनपुरी से, लेकिन मैनपुरी में क्या मुलायम की विरासत डिंपल जी उसी तरह से आगे बढ़ा पाएंगी? देखिए क्योंकि पहले भी सांसद रही है कन्नौज से, और तरह से कन्नौज में उन्होंने काम किया था, लोगों ने काफी सराहा, पार्टी ने उन्हें मैनपुरी से कैंडिडेट बनाया है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है इस बार मैनपुरी पूरे बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, लेकिन अनुराग जी क्योंकि शिवपाल सिंह यादव
अभी तो कह रहे थे कि अगर परिवार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है पार्टी में तो हम साथ रहेंगे, लेकिन अब तो डिंपल यादव जी, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है लेकिन उनका नाम नहीं आया, तो शिवपाल को लेकर कुछ कहेगी समाजवादी पार्टी? भाई जबरदस्ती वाला सवाल आप पूछ रही हैं, आपको सवाल क्या पहले तो तय कर लीजिए आप क्या पूछना चाहिए? नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शिवपाल जी कह रहे थे कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो हम परिवार के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए ना, वो पार्टी की चिंता है, आपस में सबकी बात है। आप जबरदस्ती अपने हिसाब से सवाल बना ले रही हैं, कमाल है भाई। नहीं सर, ये जनता का सवाल है, जनता भी जानना चाहती है, आपकी पार्टी के प्रवक्ता जानना चाहते हैं, आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं आपके, जो आपके साथ चलते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये थोड़ा सा परेशानी वाली बात थी। तो अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने सवालों का जवाब तो पूरा नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार के पास इन सवालों का जवाब है भी नहीं, और समाजवादी पार्टी भी अब किस तरह से आगे बढ़ रही है वो देखना होगा। फिलहाल डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के सवाल पर अनुराग भदौरिया कुछ भी नहीं बोले। समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता है, उनकी ओर से जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने फोन काट दिया। यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी पर भरोसा दिखाते हुए मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव का नाम आगे लाकर उनको प्रत्याशी बनाया है, यानी अब ससुर की विरासत संभालेंगी डिंपल यादव। डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो नाम था वो शिवपाल सिंह यादव का भी आ रहा था, क्योंकि पहले ही उन्होंने कई बार ये बात कही मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कि अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो मैं परिवार को आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। उनके बोल बदले थे लेकिन नाम उनका नहीं आया, और उसके पहले प्रसपा के भी बहुत से जो समर्थक है वो ये कहते थे कि मैनपुरी से जब तक मुलायम सिंह है तब तक तो चुनाव नहीं लड़ेंगे शिवपाल, लेकिन अब जब मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अगर प्रसपा से उतर जाते हैं तो ये मुकाबला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फरमान हमारे साथ में लगातार बने, फरमान अभी अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े, उन्होंने डिंपल यादव के सवाल का तो जवाब दिया लेकिन शिवपाल का नाम सुनते ही उन्होंने जवाब नहीं दिया और सवाल पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल को किनारा कर किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब अगर प्रसपा से शिवपाल इसी सीट पर लड़ते हैं तो ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा? देखिए बिल्कुल, जितना आसान समझी जा रही है चीजें मैनपुरी में उतनी आसान शायद समाजवादी पार्टी के लिए नजर नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि न सिर्फ शिवपाल यादव को विश्वास में लेना चाहिए था जैसा कि लोग सियासी जानकारों का मानना है, बल्कि दूसरी तरफ एक और समस्या आ सकती है समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर और डिंपल यादव के साथ में, कि जो यादव परिवार की दूसरी बहू है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है इस वक्त, तो ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी उन पर दांव लगा सके, उनको उम्मीदवार घोषित करे, क्योंकि इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में न सिर्फ ये बल्कि जो इनके पूर्व सहयोगी रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी उनकी पार्टी ने भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, शिवपाल यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव की विरासत जिस मैनपुरी में है, उस मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी